गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा लेक्चर से। और मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसमें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। फिक्सल्स पढ़ाऊंगा, इसमें मैं फ्रेम बफर पढ़ाऊंगा, रेस्टलाइजेशन, स्कैन कन्वर्जन इसके अंदर में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे हम कि फिक्सल्स क्या होता है। तो देखिए, फिक्सल कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा लेक्चर से अभी तक नेक्स्ट एडी नहीं देखा, उसमें कंप्यूटर कंप्यूटर ग्राफिक्स की मैंने इंट्रोडक्शन दी है, उसकी एप्लीकेशन बताई है और उसके यूजेस बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। और मैं आज आपको बताऊंगा कि पिक्सल्स बहुत बड़ा रोल होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। पिक्सल्स का पिक्सल को जानना सबसे बेसिक टर्म्स होती है। पिक्सल्स के पिक्सल को जानना मैंने लिखा है बहुत ईजी तरीके से। एनी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्रीन। एक स्क्रीन है, सपोज ये स्क्रीन है पूरी, इसे डिवाइड कर दी एक स्मॉल स्क्रीन में। और क्या है कि पॉइंट्स एंड दिस स्मॉल स्क्रीन पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट, और उस स्क्रीन की जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसके ही स्मॉलेस्ट। क्या है, स्क्रीन पॉइंट इन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन दिस रेफर्ड एज अ पिक्सल्स। मींस कि किसी भी डिस्प्ले का स्मॉल पार्ट में से स्मॉल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पिक्सल्स होता है। Each pixel has an organ intensity and intensity. कि हर pixels अपना एक उसके पास organ intensity मतलब एक points होता है, एक load होता है, intensity होती है, and name or address by the which we can control. एक नाम और एक address होता है जिससे कि हम उसे control कर सकते हैं, उसे हम pixels कहते हैं। ये फिगर कह सकते हैं हम कि पिक्सल्स का फिगर्स है। सेकंड बात आती है आपकी फ्रेम बफर। तो फ्रेम बफर क्या होता है, मैं आपको इस नॉर्मल तरह बता दें कि एक ऐसा फ्रेम बफर हम मैन मेमोरी के अंदर लगाते हैं जो हमारे वीडियो को सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब या मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए जो प्रोसेसिंग करवाता है वो फ्रेम बफर का ही काम होता है। जैसे द एरे बीच कंटेंट, एक एरे बीच कंटेंट एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक एरे की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इमेज इज कॉल्ड फ्रेम बफर। जो इमेज के थ्रू उसे हम कहते हैं फ्रेम बफर। इसका बहुत बड़ी थ्योरी है फ्रेम बफर की, मैं बताऊंगा आपको। इसमें इसका डायग्राम भी बताऊंगा। और इट्स कलेक्ट एंड स्टोर द पिक्सल्स वैल्यू फॉर यूज बाय डिस्प्ले डिवाइसेस। इसका कलेक्ट करके स्टोर करके पिक्सलों को, इसकी वैल्यू को स्टोर करके इसका यूज डिस्प्ले करते हैं किसी डिवाइसेस को। तो हम इसे फ्रेम बफर का भी हम डायग्राम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। और इसके बाद बताऊंगी आपको थर्ड टॉपिक में पढ़ाऊंगा रिसोलिजेशन और रेस्टलाइजेशन एंड स्कैन कन्वर्जन। ये टॉपिक्स हम अभी कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे फ्रेम बफर का डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो बहुत इजी तरीका है फ्रेम बफर का। फ्रेम बफर होता क्या है, फ्रेम बफर में बता दिया कि किसी चीज को कंटेन करके उसे उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे इमेज को उसे कहते हैं फ्रेम बफर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। रजिस्टर लगे होते हैं 0-1 के फॉर्म में, जानते हैं आप, बाइनरी होती है, डीएसी से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोन के थ्रू, कलर जो आता है ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर रेड आता है। इस तरीके से क्रम चलता है। ये मेथड होता है, मैंने बताया था शैडो मेकिंग मेथड होता है, जो कलर गन होता है। और शैडो में ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया था अभी सीआरटी में, दो मेथड बताए थे। एक तो पहला बीम से रिलेटेड बीम प्रोटेक्शन मेथड बताया था, दूसरा बताया था मैंने आपको शैडो मेकिंग मेथड। तो शैडो मेकिंग मेथड से बी ग्रे ब्लू ग्रीन और रेड ये हमारे सीआरटी है, सीआरटी पे जाकर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ से जो इमेज बनती है वो हमें स्क्रीन पर रेस्टर के थ्रू मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल से डायग्राम से हमारा फ्रेम बफर का हम देखेंगे रिसोल्यूशन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिसोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट रिसोल्यूशन किसे कहते हैं। The maximum number of points that can be displayed without overlap on a CRT is referred to as resolution. तो resolution वो number जो बहुत सारे maximum number of points that be displayed
विदाउट ओवरलैप, मतलब कि फ्रेम बफर से जैसे ही सीआरटी में जो भी उसके पिक्सल्स जाते हैं और डिस्प्ले करते हैं तो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप का मीन्स ये मैन ओवरलैप का मतलब होता है कि जब हमारे जो कलर्स होते हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर रजिस्टर उसे फ्रेम बफर से, तो जो पॉइंट्स निकलते हैं, सपोज ये लगा हुआ हमारे पास ये है बी वी जी आर, जो बी जी आर वाला वो सिस्टम ब्लू ग्रीन और रेड वाली कंडीशन जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी फास्फोरस स्क्रीन है और इससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन तो ये एक ही लाइन में और इस तरह जाने चाहिए। ये सीआरटी वाली एग्जाम्पल में बताता है कि सीआरटी में क्या होती है, उसकी बीम होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन से सीधे इस पे इलेक्ट्रॉन चाहिए इस साइड उस साइड नहीं भागनी चाहिए, उसके लिए हम फोरकास्टिंग सिस्टम का यूज करते हैं जिसमें इस तरीके से उसे बांध कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो ओवरलैप की जाए इस साइड से उस साइड ना भागे, या जो उसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं से डायरेक्ट फोकस उसी पर पड़ना चाहिए, तो उसके लिए रिसोल्यूशन का यूज करते हैं, उसे कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इट कैन बी डिस्प्ले विदाउट ओवरलैप ऑन द सीआरटी इज रिफेयर्ड टू एज अ सॉल्यूशंस। तो ये हमारा होता है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन बहुत इजी है, जब हम सीआरटी तार में इतने दोनों को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो सीधे जाते हैं और मतलब इस साइड से उस साइड नहीं जाते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, उसे हम इस सॉल्यूशन से कंट्रोल करते हैं मैक्सिमम पॉइंट को। अब रेस्टिलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम इसमें ये डेफिनेशन देखना पड़ेगी। रेस्टिलाइजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिटर माइनिंग, एक प्रोसेस ऑफ बिटर माइनिंग एप्रोप्रिएटेड पिक्चर्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेस्टिलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिटरमाइन करता है, एप्रोप्रिएट करता है एक पिक्सल्स में, एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है पिक्सल में किसी पिक्चर को या किसी ग्राफिक्स या किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करता है पिक्सल्स में, और उस प्रोसेस को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम रेस्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत इजी और सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोसेस डिटरमाइन करता है एप्रोप्रिएटेड पिक्सल्स, ये एप्रोप्रिएटेड पिक्सल्स को फॉर द रिप्रेजेंटिंग, इसलिए फॉर द रिप्रेजेंटिंग पिक्चर्स ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेस्टिलाइजेशन। और सिंपल सी बात है, और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन व्हाट इज द स्कैन कन्वर्जन फॉर, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटेंट्स पिक्चर्स, एक प्रोसेस है रिप्रेजेंट करता है वो कंटेंट करता है पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट एज अ कलेक्शंस ऑफ डिस्क्रिटेड इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन का मीन्स ये होता है कि प्रोसेस है और ये रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स और ग्राफिक्स को और ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करके डिस्क्रिटेड मतलब एक सीक्वेंस में, उसे कहते हैं स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कर देता है उस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, जो पिक्चर्स और ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट की होती है उसका जो कलेक्शन होता है उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्कैन कन्वर्जन का यूज करते थे। ये फाइव टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आपको अच्छी लगे हुए, तो यदि कोई भी डाउट या किसी भी पॉइंट में डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके जरूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर बताएं 100% कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आप तक पहुंच रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तीन टॉपिक्स के, जिसे कहते हैं एक टॉपिक पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शंस कि रिफ्लेक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स और रिफ्लेक्शन क्या रोल होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इस लाइन कर्व जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी पेपर में आती है इसके, और इसके बाद पढ़ेंगे हम एक और मॉर्फिंग कर्व पढ़ेंगे। तीन टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तीन टॉपिक्स एक इसमें टॉपिक्स आता है बेजियर कर्व वो भी पढ़ेंगे, तीन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो भी आपने देखा है यदि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स के जरूर बताएं, आप कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, 2 मिनट का टाइम निकाल दें प्लीज, और इस तरीके से आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ यदि कोई भी डाउट लगता है तो जरूर करके बताएं मुझसे, जब भी मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। धन्यवाद।